हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे पॉपअप के लिए फॉर्म बनाने के लिए। गाइस, जैसे अब काफ़ी आपने देखा होगा, काफ़ी वेबसाइट में आप ओपन करते हैं तो उसमें एक पॉपअप आता है, आगे से एक स्क्रीन खुलती है अलग से, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ होती है पॉपअप फॉर्म, पॉपअप होता है वो। अब और वो पॉपअप अपन काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला अपन यूज़ कर सकते हैं किसी भी सर्वे के लिए कर सकते हैं, किसी न्यूज़लेटर साइनअप के लिए कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनवाने के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन अपन को देनी है। जैसे अपन को अपनी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो अपन उस पर कूपन देना चाहते हैं तो अपन उसमें दिखा सकते हैं, भाई ये आप कूपन यूज़ कीजिए। तो आप कोई भी फास्ट, ये पॉपअप इसलिए यूज़ करता है फ्रेंड्स अपन, क्योंकि अपन अपने कस्टमर से फास्टेस्ट वे में इंटरेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से। एक कोई भी चीज़ है उससे फास्ट अपन को नहीं दे सकते। अब कुछ भी अपन देंगे तो वही यूज़र अब देखेगा, वेबसाइट में इंटरेक्ट करेगा तो उससे टाइम लगता है, लेकिन पॉपअप जब उसके सामने ही आ जाएगा, वेबसाइट सब सब पीछे हो जाएगी, पॉपअप ही आ जाएगा सामने, तो वो इस चीज़ को ज़रूर देखेगा। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं अपन तुरंत। तो फ्रेंड्स, इसमें अपन को दो चीज़ों की प्लगइन की यूज़ है। एक तो प्लगइन है पॉपअप मेकर नाम से प्लगइन है, और एक अपन को फॉर्म बनाने के लिए है, क्योंकि अपन ये पर्टिकुलर वीडियो है वो पॉपअप में कॉन्टैक्ट फॉर्म भरवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो तो चलिए आपको बता दूँ पहले दो प्लगइन कौन सी है। और पहले अपन इसमें चल लेते हैं अपने प्लगइन में और एड न्यू कर लेते हैं। तो इसमें लिख दीजिए आप पॉपअप मेकर। फ्रेंड्स, ये जो है बाय पॉपअप मेकर ही है, ये प्लगइन अपन को चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स जो अपन को कॉन्टैक्ट फॉर्म अपन बनाएंगे वो अपन बनाएंगे WP फॉर्म में, जो कि वो भी एक फ्री प्लगइन है, तो अपन को कुछ भी चार्ज नहीं करना है। अब WP फॉर्म में कैसे फॉर्म बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वहां जाके ऊपर आई बटन में आपको दिखा मिल जाएगी, और साथ में नीचे भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक। तो चलिए अपन इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ठीक है गाइस, ये अपना अभी फॉर्म हो चुका है एक्टिवेट पॉपअप मेकर। और दूसरा अपन को प्लगइन चाहिए, वो है अपना WP फॉर्म। और ये अपन इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको फटाफट एक्टिवेट कर लेते हैं अपन। गाइस, तो ये अपने दोनों प्लगइन हो गए हैं एक्टिवेट। तो चलिए अपन चलते हैं, सबसे पहले अपन एक करते हैं फॉर्म बना देते हैं अपन एक अपना। WP फॉर्म में चलते हैं और एड न्यू फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इस तो अपन आप फॉर्म का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ फॉर्म Page 1 दे देता हूँ। ठीक है, और सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है अपन को, तो ये इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने पास इस हिसाब से ये फॉर्म आ जाएगा। अब गाइस, अपन को नेम चाहिए, ठीक है, ईमेल चाहिए, ठीक है, कमेंट को अपन को ज़्यादा आवश्यकता है नहीं अभी। और जैसे अपन को फ़ोन नंबर चाहिए तो अपन इसमें नंबर की भी एक एंट्री मैं डाल देता हूँ, और इसको मैं एडिट कर देता हूँ फटाफट से, लिख देता हूँ फोन नंबर, और इसको रिक्वायर्ड करना था रिक्वायर्ड कर लीजिए। तो गाइस, ये अपना एक बन गया है फॉर्म, और मैं इसको कर देता हूँ फटाफट से सेव। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना करने के बाद में फ्रेंड्स अपन को जाना है अपने पॉपअप मेकर के अंदर, और क्या करना है, क्रिएट पॉपअप। इसी में अपन अपना, जैसे अपना फॉर्म तो बन गया है, अब वो फॉर्म कैसे दिखेगा पॉपअप में, तो उसके लिए अपन उसके लिए सेटअप करेंगे, एक नया पॉपअप बनाएंगे। पॉपअप का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, न्यू पॉपअप लिख देते हैं, न्यू पॉपअप। पॉपअप टाइटल देना तो दे दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और चाहो तो अपना एड फॉर्म जैसे अपन ने बनाया था Home Page 1, ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो या आप चाहो तो वहाँ से अपन इसका सीधा शॉर्ट कोड भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन अपन यहाँ से अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन को नीचे जाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स कि ये पॉपअप दिखेगा कब।
तो उसके लिए होता है फ्रेंड्स, ये ट्रिगर होता है कि भाई कब जाके ये चीज ट्रिगर होगी कि भाई ये चीजें दिखने लगी अपन को, ठीक है? जैसे ट्रिगर कोज है पॉपअप टू ओपन, तो अपन इसमें एक ट्रिगर ऐड करेंगे कि कब क्लिक ओपन होगा, टाइम डिले ओपन होगा, ऑटो ओपन होगा, और फॉर्म सबमिशन पे ओपन होगा। जैसे कोई भी फॉर्म किसी पे लगा सकते हैं, तो बेस्ट रहता है कि अपन इसको टाइम डिले पे कर दें। और ये दे रखा है प्रिवेंट पॉपअप फ्रॉम शोइंग द विजिटर अगेन यूजिंग ए कुकी, तो आप चाहो तो भाई दिखा सकते हो, अगर नहीं चाहो तो उसको रहने भी दे सकते हो, भाई नहीं दिखाना बार बार, तो ठीक है। तो आपको इसमें जैसे भी अच्छा लगे वैसे कर दीजिए। जैसे मैंने अभी कर दिया है भाई, हर बार पॉपअप दिखना चाहिए उसको, ऐसे मैंने कर दिया। अब ये अपन को पूछ रहा है कि 30 सेकेंड बाद में दिखना चाहिए पॉपअप, तो 500 एक सेकेंड में 1000 ms होते हैं, तो जैसे मैं कर देता हूँ उसको 4000 ms कर देता हूँ कि भाई 4 घंटे में, 4 सेकंड में अपनी वेबसाइट को 4 सेकंड ओपन होने के बाद में ये मेरा पॉपअप दिखना स्टार्ट हो, क्योंकि कई बार टाइम भी लग जाता है वेबसाइट को लोड होने में, तो इसलिए अपन इसको मैं कर देता हूँ 4000। फिर अपन चलते हैं टारगेट, अपन को किसी को करना है तो इसे अपन डिसेबल भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं, दोनों टेबलेट और मोबाइल पे अपने हिसाब से। फिर आती है फ्रेंड्स डिस्प्ले, सेंटर पॉपअप कहाँ डिस्प्ले करना है भाई, सेंटर में करना है, राइट साइड में करना है, टॉप बार में करना है, ऐसे तो आप इसमें जो भी चाहिए वो अपन ले सकते हैं। अपीयरेंस जैसे डिफॉल्ट थीम है, आप चाहो तो फ्रेम इसमें आप देख लीजिए, काफ़ी सारी हैं फ्रेम बॉर्डर, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। और साइज क्या साइज रहेगी उस पॉपअप की, ये चीज़ है उसमें। फिर एनिमेशन कोई दिक्कत नहीं है, साउंड भी आप चाहो तो दे सकते हैं, और नहीं चाहिए तो कोई रहने दीजिए। फिर आती है पोजिशन, टॉप सेंटर दे रखा है ठीक है, आप चाहो तो मिडिल सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ नॉर्मल सेटिंग्स है, और क्लोज के लिए भाई क्लोज टेक्स्ट होगा ठीक है। तो फ्रेंड्स ये होंगे कुछ सेटिंग अपनी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ये भी है कि फ्रेंड्स अपन चाहो तो एस्केप बटन से भी, काफ़ी आजकल होता है कि भाई बढ़िया लगता है कि भाई एस्केप दबाया और पीछे चला गया वो चीज़ बैकग्राउंड में, क्लोज हो गया एक तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ अपने इतनी सिंपल सेटिंग करनी है, जो मेन सेटिंग है वो तो फ्रेंड्स ये ट्रिगर वाली कि भाई कब ट्रिगर होगा वो चीज़ ओपन होने के लिए। अब इतना अपन ने कर दिया है, अब इसको अपन कर देते हैं पब्लिश। अब अपना पब्लिश तो हो गया है, अब मैं एक नई खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरा पॉपअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने अपनी वेबसाइट खोली है अभी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैंने सिंपल थीम डाल रखी, कुछ नहीं कर रखा, बस थीम है एक डेमो डाल रखा, नथिंग। और अपन वेट करते हैं पॉपअप को आने का। तो फ्रेंड्स ये देखिए अपना पॉपअप आ चुका है, नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है अपना, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा अपन चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले में जाके अपन फ्रेम बोर्ड की जगह कटिंग एज करके देख लेते हैं एक बार, और अपडेट कर देता हूँ इसको और देखते हैं अब कैसा कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। आप उसमें डिस्प्ले में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो सब आप जो अच्छा लगे वो ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा अजीब सा है ये भी, तो फिर अपन दूसरे को ट्राई कर लेते हैं। हेलो बॉक्स ट्राई कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी ठीक लग रहा है उससे। तो फ्रेंड्स अब बात रहती है इसका, अब अंदर थोड़ा ये धुंधला धुंधला लग रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें आप डब्ल्यू पी फॉर्म पे आपको CSS लगानी ही पड़ेगी, तभी जाके इसको आप इसका जो अपीयरेंस है वो आप बदल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल वीडियो इसलिए थी क्योंकि आप पॉपअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, अब वो पॉपअप टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था कि पॉपअप कैसे बनाना है। अब फ्रेंड्स इसमें आप डब्ल्यू पी फॉर्म की जगह आप चाहें तो कुछ दूसरा फॉर्म भी ले सकते हैं, निंजा फॉर्म भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और गाइस लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाय बाय।